हेलो दोस्तों नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के दिन हम HPS माइंड टेक्नोलॉजी शेयर से रिलेटेड बात करने वाले क्योंकि अब ये आईपीओ तो रहा नहीं दोस्तों आज सुबह दस बजे ये मार्केट में लिस्ट हो गया है और जो लिस्ट हुआ है किस्मत से जिसको भी लक से जिसको भी ये आईपीओ पी मिला है चाहे वो एक लॉट का चाहे पाँच लॉट का चाहे तेरह लॉट का मिला हो उसकी तो यहाँ पर बल्ले बल्ले हो चुकी क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पर लगभग तीन सौ के प्राइस पे एन पे एंड यहाँ पर तीन सौ इक्कावन रुपये प्राइस पर बी पे, पे लिस्ट हुआ मतलब अगर देखा जाए तो डबल से भी ज़्यादा एक अनुमान लगाया गया था लगभग उसको भी क्रॉस करके 111 परसेंट का रिटर्न तुरंतली दिया है मतलब अगर देखे जाए तो अमाउंट अपना सात दिन में करीबन 111 परसेंट बढ़ चुका था ठीक है तो चलिए यहाँ पर आज अपन जानेंगे कि हैप्पीस्ट माइंड आईपीओ जो आप लोगों ने शेयर में कन्वर्ट किया है अभी आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया है तो क्या प्रॉफिट बुक करें नए ट्रेडर्स अब दोस्तों चीज़ें यहाँ पर समझने वाली ये हो जाती है कि देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स ये कमेंट आ रहे थे कि सर हम क्या करें आई जो शेयर में कन्वर्ट हो चुका है उसको होल्ड करें बहुत सारे नए ट्रेडर्स ये बोल रहे थे कि क्या उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या मान लीजिए एग्जिट करें प्रॉफिट बुक करें मतलब ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि नया मार्केट में कंपनी आया है और वो कंपनी के अगर वैल्यूएशन देखें तो बहुत ही शानदार है ठीक है लेकिन सबसे पहले मैं आज का आपको अपडेट दे देता हूं उसके बारे में तो चलिए अपन देख लेते हैं ये एन एस सी के साइट पर अब यहां पर अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो करीबन आपको मार्केट से लिस्ट होने के बाद स्टॉक में करीबन देखेंगे तो यहां से 40 परसेंट का मूव देखने को मिल रहा है लिस्ट हुआ तीन सौ से एनएससी पे और बी एस पे तीन सौ इक्यावन रुपए पे ठीक है सेम बॉय ओपन प्राइस है प्रीवियस क्लोज जो बीडिंग डली थी तो कंपेरिजन कर रहे हैं तो एक परसेंट का मुनाफा डीमेट अकाउंट में अपने को देखने को मिल रहा है ठीक है तो मोमेंटम के हिसाब से क्या है कि अभी इसका सिंबॉल पी अर्निंग रेशियो जो है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी देखा नहीं गया है वो किस प्रकार से ये देखना है तो आई कंपनी

करीबन पाँच करोड़ बीस लाख क्वांटिटी का वॉल्यूम इसमें जनरेट हो चुका है बावन बिक का हाई बावन बिक का लो तो आज ही आप लोगों के सामने डिलीवरी पैटर्न देख ही लेते हैं क्या मोमेंटा है करीबन एक करोड़ छियासी लाख क्वांटिटी डिलीवरी दी गई है और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे दोस्तों जिन्होंने यहाँ पर ए ऑर्डर लगा के मार्केट में करेंट मार्केट से ही उठा लिया होगा दोस्तों सही बात हम बोले ना तो हमने भी स्टॉक को करीबन यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो तीन सौ पचपन रुपये से हमारी टीम मेंबर्स में एक के भी हाथ ये आई पी ओ अलॉटमेंट नहीं लगा ठीक है तो क्या करा हमने तीन सौ पचपन रुपये से तीन सौ पैंसठ रुपये ने पूरी टीम मेंबर्स ने यहाँ पर इसमें डिलीवरी ले चुके हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है जो चीज़ें आप बोल रहे थे कि क्या इसमें हम बाइंग कर सकते हैं नए ट्रेडर्स डेफिनेटली आप इसको बाइंग करिए ठीक है क्योंकि कंपनी का जो मार्केट में वैल्यूएशन है जो करेंट में इनका रिजल्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है तो चलिए उसके बाद उसको भी देख लेते हैं फिर आपको डिस्कशन में थोड़ा अच्छा समझा दूंगा मैं अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको पहले भी मैंने अपडेट करा था इसके बारे में कि इस स्टॉक मतलब आईपीओ में अप्लाई करे या नहीं करे उसमें भी आपको ये समझाया था अगर पुराने जो वीडियो मेरे व्यूअर्स ने अगर देखे हो तो उनको पता ही होगा जैसे कि मार्च मार्च 2018, मार्च 2019 और मार्च 2020. अभी इसको छोड़ देते हैं अपन ठीक है अभी तीनों को क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना है मिलियंस में जो प्रॉफिट है ठीक है तो यहाँ पर अड़तीस का है अगर मैं देखूँ तो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ठीक है थर्टी का वहीं पर अगर आप देखोगे सॉरी थर्टी एट हंड्रेड का अगर यहाँ पर आप देखोगे तो फोर्टी वन हंड्रेड का काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है वहीं से बढ़कर क्या हो गया दोस्तों करीबन पाँच हज़ार का तो यहाँ पर अगर देखें सालाना तौर पे तो हमें यहाँ पर क्या बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है टोटल असेट क्वालिटी जो कंपनी की वैल्यूएशन वो हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रही अब कंपनी क्या है आई सेक्टर से तो कंपनी काफ़ी जगह से अपना मतलब रेवेन्यू जनरेट करती है जैसे डिजिटल मार्केट हो गया इसके जो सेल्स रहती है उससे रिलेटेड ठीक है तो अब देखोगे रेवेन्यू तो रेवेन्यू भी आपको यहां पर सालाना तौर पर बढ़ते देखने को मिल रहा है ठीक है तो यह भी अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स पे करने के बाद कंपनी ने 2018 में करीबन 200 चौबीस करोड़ का अगर मैं करोड़ में बात करूँ तो चौबीस करोड़ का प्रॉफिट रहा था वो कम होकर दो में मात्र एक करोड़ का रह गया था लेकिन इतना खतरनाक जंप मारा वो कि यहाँ पर सात करोड़ का प्रॉफिट निकाल के लाए उन्होंने एक साल के अंदर अंदर तो आप देख सकते हो कंपनी की सभी चीज बढ़ते हुए देखने को मिल रही है अब यहां पर हम तीन महीने की बात कर लेते हैं मतलब जून क्वार्टर की मार्च के बाद जून क्वार्टर की तो यहीं कंपैरिजन करोगे तो करीबन 700 करोड़ का प्रॉफिट तो यहीं पर अड़सठ में देखने को मिल रहा है, टोटल रेवेन्यू रेवेन्यू में आप देख सकते हो जहां करोड़ का था वो महीने अठारह सौ करोड़ का हो गया अगर इस करोड़ को हम चार में कैलकुलेशन करते तो आप देख सकते हो कहां पर प्रॉफिट जा रहा है मतलब अगर हम देखा जाए तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मार्केट में इससे रिलेटेड यहीं पर अगर प्रॉफिट देखोगे आफ्टर टैक्स तो मात्र एक ही क्वार्टर में इन्होंने 500 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है मतलब आप कंपैरिजन करोगे 500 का भी कैलकुलेशन चार क्वार्टर में तो ये अप्रॉक्सीमेट 2000 से ऊपर जा रहा है तो ये काफ़ी अच्छी चीजें हैं दोस्तों कंपनी में रेवेन्यू जनरेट करने से लेके रेवेन्यू बढ़ बढ़ने तक कंपनी का ठीक है अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है पी एस माइंड लिस्टिंग वन 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 परसेंट मतलब एक सौ ग्यारह परसेंट प्रीमियम पर यह ओवर सब्सक्राइब हुआ है अगर मैं बात करता हूँ ओवर इशू प्री प्रिप्राइज अगर आप देखें आईआरसीटीसी एंड डीमार्ट मतलब दोनों ही कंपनियों को दोस्तों इसने बीट किया है मतलब एक सौ ग्यारह परसेंट का रिटर्न तो इन दोनों कंपनियों ने भी अपने लिस्टिंग गेन पर नहीं दिया था मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बने रहना और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट नहीं बुक करना आप देख सकते हो शेयर ऑफ हैप्पीनेस माइंड टेक्नोलॉजी मतलब जो कंपनी टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है ठीक है कंपनी बीएससी पे कितने प्राइस पे लिस्ट हुई यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री थर्टी फाइव मतलब तीन सौ इक्यावन रुपये पर यहाँ पर लिस्ट हुई बीएससी का जो परसेंटेज देखोगे तो एक सौ ग्यारह परसेंट पे प्रीमियम मतलब लिस्ट हुआ है बीडिंग डला था एक सौ छियासठ रुपये पे आप लोगों के सामने तीन सौ इक्यावन रुपये पर लिस्ट हुआ वहीं पर अगर आप देखोगे आईआरसीटी और डी मार्ट ये दोनों की जो वैल्यूएशन है दोस्तों वो मात्र सौ परसेंट पर ही क्या हो गई थी ब्रह गई थी सौ परसेंट ही इन्होंने यहाँ पर इस साल जो लिस्ट हुए थे वो इतने पे ही हो पाए थे ठीक है यहीं पर अगर आप देखोगे एन एस सी पे करीबन साढ़े तीन सौ रुपये पर हुआ था एक रुपये कम तो आप देखें एन एस सी का जो रिटर्न है करीबन एक सौ दस रुपये चौरासी पैसे का आ रहा है वहीं पर अगर आप देखें द आई पी ओ आईपीओ सोल्ड हुआ था सात सितंबर से नौ सितंबर प्राइस बैंड एक से एक अनुमान सभी कस्टमर को जो ब्रोकर रहते हैं वो एक सौ पे ही बीडिंग डलवाते हैं सब्सक्रिप्शन अगर मैं बात करूँ तो एक टाइम सब्सक्रिप्शन किया गया था सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आई का नाम दिया है ठीक है आप देखोगे तो के इंफ्रा प्रोजेक्ट करीबन एक टाइम हुआ था सी डी एस एल एक टाइम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आई था वो लिस्ट हुआ था मतलब सब्सक्राइब हुआ था एक टाइम का यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ भी लिस्ट हुई थी लेकिन सब्सक्रिप्शन जो हुआ उसके बाद जो मार्केट में लिस्ट मार्केट में लिस्ट होता है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नहीं है कि मार्केट में सब्सक्रिप्शन से ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन होता है मतलब मान लो कि यहाँ पर एक ये तो सब्सक्रिप्शन हुआ था तो क्या मार्केट में ये फिर डेढ़ सौ पॉइंट ऊपर कैसे लिस्ट हुआ क्योंकि दोस्तों ग्रे मार्केट सबसे ग्रे मार्केट में इनका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि हम नीचे देख लेते हैं ठीक है यहीं पर आप देख सकते हो डाटा शो द स्टॉक विद रलिंग एट अ प्रीमियम मतलब ये डाटा शो जो हो रहा था वो एक स्टॉक मार्केट में की जगह ग्रे मार्केट जिसे हम डब्बा बाजार बोलते हैं ग्रे मार्केट में ये काफ़ी इंजॉयफुल किया जा रहा था इस आईपीओ का ग्रिप प्रीमियम करीबन अगर देखा जाए तो बहुत ऊपर ही लिस्ट होने का अनुमान पहले ही लग गया था क्या 115 से 120 सौ का अनुमान लेकिन ये बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के काफ़ी अच्छी खासी तरीके से कितना हो गया तो एक 155 से एक ये प्रीमियम काफ़ी अच्छी खासी तरीके से ऊपर हो चुका था तो मतलब अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा दोस्तों कि इस कंपनी में अपने को बने रहना है बने रहने के साथ साथ नए ट्रेडर्स को भी इन्वेस्टमेंट करना है ठीक है और जिनको आई अलॉटमेंट मिला है वो भी यहाँ पर और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है मतलब क्वालिटी वाली जो कंपनी है दोस्तों वो यही है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अदरवाइज़ आप दूसरी कंपनियों में मत जाइए आप दूसरी कंपनियों में जाएंगे आपका क्या हाल होगा वो किसी को नहीं मालूम लेकिन जो कंपनी अभी, अभी करेंट मार्केट में परफॉर्मेंस दे रही है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर है तो नीचे और भी डिटेल आप चेक कर सकते हो कंपनी का रेवेन्यू कंपनी का जो मिलियंस ऑफ व्यू है वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके से अगर मैं इसको बताऊँगा दोस्तों तो काफ़ी समय हो जाएगा और भी चीज़ें आपको अभी समझाना है दोस्तों बात करता हूँ इस व्यक्ति की जिसका नाम है अशोक सुट्टा ठीक है आप लोग जानते होंगे नहीं भी जानते तो बता देता हूँ ये जो कंपनी अभी मार्केट में लिस्ट हुई है ठीक है हैप्पीएसट माइंड टेक्नोलॉजी उसके ये सीई हो है अभी करेंट में बाकी अगर मैं बात करता हूँ इन्फोसिस इन्फोसिस एंड माइंड ट्री आप लोगों को पता है इन्फोसिस एंड माइंड ट्री को इन्होंने ही चलाया दोस्तों ठीक है और आज किस कंडीशन में खड़ा किया ये आप लोगों के सामने मतलब ये व्यक्ति को जहाँ पर देखा जाए मतलब एक प्रकार से कंपनी आज उनकी मार्केट में खड़ी है तो अपने को इन्वेस्टमेंट करने में कोई डर नहीं क्योंकि आप लोगों को पता है कि मार्केट में पहले वाली जो इनकी कंपनी है वो किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रही है तो आप खुद ही देख सकते हो कि मार्केट का जो परफॉर्मेंस है इनकी कंपनियों का वो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिलती है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों माइंड और इन्फोसिस तीन महीने का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने अभी ओपन किया है ठीक है ये देखिए ये तीन महीने का रेड कलर का इन्फोसिस है ब्लू कलर का माइंड ट्री है तीन महीने में जो दोनों कंपनियों का परफॉर्मेंस है वो आप लोगों के सामने है ठीक है यहाँ पर अगर देखें तो चार तीन महीने में सेम अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहा है ठीक है पाँच साल का डायरेक्टली मूवमेंट लेता हूं पांच साल में आप देख सकते हो माइंड ट्री सिक्सटी फोर परसेंट का रिटर्न इन्फोसिस सेवेंटी सेवन परसेंट का रिटर्न मतलब आप अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छी खासी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कंपनी को नब्बे से दो के बीच में किस प्रकार से मैंटेन करा था जो कि उसी प्रकार से मेंटेनेंस कंपनी में चलते आ रहा है तो जिसका परफॉर्मेंस आज आप मार्केट में देख सकते हो और उनकी कंपनी तो आज 2020 में मार्केट में लिस्ट हो रही है दोस्तों क्या 2020 में तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में कितने सारे ट्रेडर्स हो चुके हैं कितना नॉलेज हो चुका है मार्केट में तो आपको अनुमान लगी गया होगा माइंड टू और इन्फोसिस को देख के कि जो हैपीएसट टेक्नोलॉजी है उसका भी क्या मोमेंटम होने वाला है मार्केट में ठीक है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए और काफी अच्छी तरीके से और काफी अच्छी कंडीशन में करके काफी अच्छा प्रॉफिट कमाए दोस्तों ठीक है चलिए तो मैं यहाँ पर वीडियो को क्लोज़ करता हूं वीडियो को क्लोज़ करते समय यही बोलूंगा वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना देन डेली बेसिस पे क्योंकि मैं अपडेट एंड इंट्राडे की टिप्स एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता हूं थैंक यू दोस्तों